नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। 4 जून की फ्लाइट के बारे में बताऊंगा, मात्र 3 मिनट में बता दूं। 4 जून को 17 फ्लाइटों का शेड्यूल है, 7 कंट्रियों से फ्लाइट इंडिया पहुंचने वाली हैं। अब आपके भाग्य कौन से में जागते हैं आप ट्राई कर लीजिए, मात्र 3 मिनट में पूरी अपडेट मैं बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज लाइव फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर में भाई फ्लाइट है मॉरिशस से। जी साथियों, मॉरिशस से महाराष्ट्र बॉम्बे के लिए फ्लाइट है, रात को 22:15 में पहुंचेगी और 243 यात्री पहुंचेंगे। अभी मैं कमेंट देख रहा था, कोई नेपाली यात्री करके कोई बंदा था ईमेल आईडी से, भारत में 13 भी बसते हैं। अरे भाई, भारत में 13 क्या, पूरे वर्ल्ड में 13 बसते हैं। नाइट को 12 बजे बाद रेलवे टाइम 13 ही होता है, 13 का मतलब 1 बज गए। लेकिन मूर्ख इंसानों की कमी नहीं होती है भाई। अब ये मत बोल लेना कि रात को 22:15 भी होते हैं इंडिया में। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं साथियों। सेकेंड नंबर पे यूक्रेन से फ्लाइट है आसाम और दिल्ली के लिए। जी हाँ साथियों, यूक्रेन से जो फ्लाइट आएगी पहले दिल्ली लैंड करेगी, उसके बाद गुवाहाटी आसाम के लिए फ्लाइट है। 2 बजे साथियों दिन का टाइम है, 2 बजे पहुंचेगी, 150 यात्री शामिल होंगे। आगे बात करते हैं साथियों, 3 नंबर में कुवैत की फ्लाइट है, बता दूं मैं दिल्ली के लिए। जी हाँ साथियों, कुवैत से दिल्ली के लिए है भाई, तो इसमें राजस्थानी हो सकते हैं या कुवैत से फ्लाइट है इधर के लिए, तो ये बेस्ट न्यूज़ मैं बता दूं आपके लिए। 18:20 का फ्लाइट का शेड्यूल है, 149 यात्री पहुँचेंगे। जी हाँ साथियों, नाइट का शेड्यूल है इसका। आगे बात करूँ 4 नंबर पर भी साथियों, कुवैत से फ्लाइट है केरला कोचिकोड़े से, यही फ्लाइट कोचिकोड़े जाएगी केरला के लिए। रात को 23 बजे की फ्लाइट पहुँच जाएगी इंडिया में, 149 यात्री शामिल होंगे। आगे साथियों बात करें 5 नंबर फ्लाइट पे, ये है साथियों ओमान केरला से कोची के लिए। जी हां साथियों, ये कोची पहुंचेगी रात को 21 बजे, 177 यात्री इसमें पहुंचेंगे। आगे साथियों फिर एक फ्लाइट है 6 नंबर ओमान से, ये त्रिवेंद्रम के लिए, केरला के त्रिवेंद्रम के लिए है, रात को इसका भी यही टाइम है 21 बजे का, 177 यात्री पहुंचेंगे। जी हाँ साथियों, 7 नंबर पे है साथियों कतर से यूपी लखनऊ के लिए है भाई फ्लाइट, यूपी के लिए 17:50 पे पहुंचेगी, 177 यात्री पहुंचेंगे। आगे बात करें साथियों 8 नंबर पे भी कतर से फ्लाइट है केरला कन्नूर के लिए, रात को पहुँचेगी साथियों 20 बजे, 177 यात्री पहुँचेंगे। आगे बता दूँ साथियों 9 नंबर पर फ्लाइट है साथियों सऊदी अरबिया जद्दा से। जी हाँ साथियों, जो श्रीनगर JNDK में लैंड करेगी रात को 18:30 में, 149 यात्री शामिल होंगे। 10 नंबर पे भी साथियों सऊदी अरबिया से या रियाद से फ्लाइट है जो त्रिवेंद्रम चेन्नई। जी हाँ साथियों, फ्लाइट लैंड करेगी 20:40 में नाइट में, 149 यात्री शामिल होंगे। आगे भाई बात कर लेते हैं हम, एक फ्लाइट और है दमाम से, ये भी सऊदी से, 3 फ्लाइट हैं लगातार, ये कोलकाता के वेस्ट बंगाल के लिए, रात को 23:45 में फ्लाइट पहुंचेगी, 149 यात्री शामिल होंगे। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट में बात कर लेते हैं साथियों 12 नंबर पे UAE दुबई से फ्लाइट हैं 7। जी हाँ साथियों, 7 फ्लाइटों का शेड्यूल है, इनको मैं एक ही साथ में आपको बता देता हूँ। त्रिवेंद्रम का शेड्यूल रहेगा साथियों 6 फ्लाइटों का, मदुरई चेन्नई हैदराबाद कोची कोचिकोड़े, 1 फ्लाइट जयपुर के लिए साथियों, ये भाई बता दूं राजस्थान के लिए 1 फ्लाइट है, 4 तारीख को जयपुर की 1 फ्लाइट है, यह टोटल 7 फ्लाइट हो गई। 17 फ्लाइटों का शेड्यूल है साथियों 4 तारीख का 7 कंट्रियों से। तो मैंने आपको मात्र 3 मिनट में ये डिटेल दे दी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए साथियों, इसी तरह से और वीडियो मैं बनाता रहूँगा फ्लाइट से रिलेटेड। आगे मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।